एनआईए ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लिया था, जिसके चलते यूपी में जुमे की नमाज पर अलर्ट जारी किया गया। वहीं कानपुर में जुमे की नमाज को लेकर मस्जिदों, सड़कों से लेकर गलियों तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही आला अधिकारियों ने ड्रोन कैमरों से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की। आपको बताते चलें कि एनआईए ने गुरुवार को कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की थी। इसी दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। वहीं इसके विरोध में पीएफआई ने केरल बंद का ऐलान किया था। उधर आईबी अलर्ट के मुताबिक यूपी के कई जिलों में जुमे की नमाज पर शुक्रवार को जुमा की नमाज पर विशेष सतर्कता बरतने और संदिग्धों पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। जुम्मे की नमाज को लेकर के हम प्रायः अपनी तैयारियां करते हैं और हमारा प्रयास होता है कि कोई ट्रैफिक कंजेशन ना हो, कहीं भीड़ भाड़ की वजह से किसी को असुविधा ना हो और कहीं पे कोई अप्रिय वारदात ना हो, सब कुछ शांति सौहार्द के वातावरण में हो। तो कोई भी ऐसा सामूहिक ओकेजन होता है जब, या कोई त्यौहार होता है, तो हमारी तैयारियाँ होती हैं और हमने आज भी अपनी तैयारियाँ की हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।